संस्था जय महादेव के नेतृत्व में जिले के ग्राम सिंधनी में पवित्र श्रावण माह पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चहुं और सुख शांति समृद्धि की कामना को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा संयोजक कन्हैया कुमावत ने बताया कि संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों से कलश यात्रा निकाली जा रही है। विशाल कलश यात्रा की शुरुआत श्री गणेश झरनेश्वर महादेव से हुई। यात्रा में हजारों की संख्या में माताएं बहनें और शिव भक्त शामिल हुए। संचालक हिम्मत सिंह चावड़ा ने बताया कि यात्रा में शामिल 2100 से अधिक मातृशक्तियों को कलश और नारियल जय महादेव मित्र मंडल ग्राम सिंधनी की ओर से निःशुल्क भेंट किए गए। यात्रा ग्राम कनेरिया, नांदेल, नावदा, फतेहपुर, खेड़ा, जनौली बुजुर्ग, सिंधनी, राबड़िया, दुर्गापुरा होते हुए बाबा महाकाल की पुण्यस्थली बिलावली पहुंची, जहां 2100 कलशों से बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया गया। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, जिला पंचायत सदस्य रूप सिंह धाकड़, जनपद सदस्य शारदाबाई, सह संचालक तरुण पटेल, कमल सिंह सहित गाँव के गणमान्य जन थे। ब्यूरो रिपोर्ट। कौन सा संगठन है आपका और किस प्रकार यात्रा निकाली गई? हमारा जय महादेव संस्था ग्राम सिंधनी संगठन है, जिसमें हमने 2100 कलश एवं नारियल निःशुल्क वितरित किया महिलाओं को और भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें से कन्हैया, नावदा, नांदेल, खेड़ा, फतेहपुर, राबड़िया, सिंधनी, दुर्गापुरा होते हुए बिलावली महाकाल मंदिर यात्रा पहुंची और वहां पर जलाभिषेक किया। कहां से प्रारंभ हुई थी यात्रा? यात्रा झरनेश्वर महादेव मंदिर टोंक खुर्द से यात्रा प्रारंभ हुई थी और बिलावली महाकाल मंदिर पर हमने जलाभिषेक किया। कितने वर्ष हो गए आपकी यात्रा को? लगातार 3रा वर्ष था ये। अच्छा। जिसमें छोटे बड़े मिलाकर सभी बच्चे महिलाएं मिलाकर 3000 से ऊपर की जनसंख्या रही। क्या विशेषता रही यात्रा की? यात्रा में हमने यही बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि सुख शांति समृद्धि रखे। अच्छा, कहीं स्वागत सत्कार भी हुआ यात्रा का? स्वागत सत्कार सभी प्रमुख मार्गों पर आते हुए किया गया, सभी पुष्प वर्षा की गई सभी लोगों द्वारा और फलहार वितरित किए गए। आपकी संस्था के कुल कितने सदस्य इसमें लगे थे, कब से लगे थे? हमारी 21 सदस्यीय संस्था है, जिसमें लगभग 1 महीने से तैयारियां चल रही थी। ये ठीक है, आपका परिचय? मैं कन्हैया कुमावत, संस्था संयोजक।